हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता भी दिया था कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पंचायती राज का रहने वाला है। इसके बाद मैं आपको एक आर्टिकल की ओर क्लास कराने वाली हूँ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम पढ़ लेंगे। शायद आपसे कोई आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आप उसको ईजिली कर पाएँ एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद हमारी पॉलिटी कम्प्लीट हो जाएगी, तो अब आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, पॉलिटी कम्प्लीट करा दी है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद टाइम लगेगा तो मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के टॉपिक्स और जो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं वो सारे करा दूंगी। मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी तब मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए थे, उसमें मैंने कंप्लीट इकोनॉमिक्स की हुई है। अगर आप कहेंगे तो मैं उन्हीं नोट्स में से आपको पढ़ा दूंगी, मुझे अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। उसमें मेरी राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप एडजस्ट कर लेना, बट उसमें पूरे इकोनॉमिक्स मैंने कर रखी है। अगर आप चाहते हैं उसे करना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं वो इकोनॉमिक्स आपको करा दूंगी। पर इससे पहले, इकोनॉमिक्स को करने से पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे जो इम्पोर्टेंट है पढ़ी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में से ना शायद एक दो क्वेश्चन ही पूछा गया हो, बट मॉडर्न हिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री कर लेना, पॉलिटी ज़्यादा कर लेना, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट करा दूंगी, इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स मैंने कर रखे हैं वो आपको बता दूंगी। तो अगर आपका मन करे करने का तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो आज की क्लास में हम जानेंगे पंचायती राज के बारे में। ये आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है चंडीगढ़ PRT एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप DSSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, HSSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, PRT का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो पंचायती राज का टॉपिक होता है इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जो ये पंचायती राज है, इसकी जो अवधारणा है, संकल्पना है, वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, किसके माइंड का विचार था ये? तो जो इसे हम ना पंचायती राज को हम स्थानीय शासन के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय शासन महात्मा गांधी की संकल्पना राम राज्य या ग्राम स्वराज्य का परिष्कृत रूप है। तो ये स्थानीय स्वशासन क्या है, मतलब गांधी जी का विचार था कि वो क्या स्थापित करेंगे देश में, राम राज्य लेकर आएंगे या फिर ग्राम स्वराज्य। तो राम राज्य का मतलब ही ये था कि वो गाँव को इतना अच्छा बना देंगे कि वो कैसा लगेगा, राम के राज्य जैसा लगेगा। तो राम राज्य की संज्ञा किसे दी गई है, पंचायती राज को गई है, ग्राम स्वराज्य को दी गई है। गांधी जी की संकल्पना को फलीभूत करने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे, जो 1993 में 73rd अमेंडमेंट से अस्तित्व में आया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें जो पंचायती राज है उसे बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में राज्य सरकार को क्या दिए गए, निर्देश दिए गए थे, जो 1993 में 73rd अमेंडमेंट रूप में क्या है, अस्तित्व में आए हैं। तो आर्टिकल 40 में किसके बारे में जिक्र है, आपके ग्राम पंचायतों के बारे में जिक्र है। तो अभी मैंने रिसेंट में एग्जाम दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्टिकल 40 में किसके बारे में बताया गया है, ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। गांधी जी की संकल्पना को फलीभूत करने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में किसे निर्देश दिए गए, राज्य को निर्देश दिए गए हैं। और ये निर्देश किस में है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो DPSP में इनका जिक्र किया गया है और ये इसके तहत ही क्या आया, 1993 में 73rd अमेंडमेंट अस्तित्व में आया। इससे पहले जैसे 1957 है, इसमें बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहली बार पंचायती राज को स्थापित करने की क्या की थी, सिफारिश की थी। इसके साथ साथ एक अशोक मेहता समिति आई थी, वो भी किसकी मतलब किसकी ये एक तरीके से किसकी अवधारणा लेकर आई, पंचायती राज की अवधारणा लेकर आई थी, लेकिन वो दो स्तरीय थी, वो तीन स्तर वाली नहीं थी, तो उसकी बात को नहीं माना गया। तो हमने किसकी बात को माना, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को माना है, जो 1957 में किसकी सिफारिश लेकर आती है, पंचायती राज की सिफारिश लेकर आती है। इसके तहत जैसे आपके 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट 1993 के तहत स्थानीय शासन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर की सरकार को सामने खड़ा किया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जैसे ग्राम पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं हैं, वो भी किस में आने लगी, अस्तित्व में आने लगी। इसके लिए ना मैंने आपको अनुसूचियाँ पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था अनुसूची 11 के बारे में और अनुसूची 12 के बारे में। 11 में कौन सा था, 73rd अमेंडमेंट था, और 12वीं अनुसूची में आपका 74 अमेंडमेंट था। और ईयर कौन सा बताया था मैंने आपको, 1993 बताया था। 11वीं अनुसूची मैंने आपको बताया था कि इसमें ग्राम पंचायतों की बात कही गई है, और 12वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया था कि इसमें 74 अमेंडमेंट
अमेंडमेंट किया गया और इसके तहत आपके देश में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। तो इसके तहत में आपके देश में क्या होंगी, नगर पालिकाएँ स्थापित की गई और ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आपके ग्राम पंचायतें हैं उनका गठन कहाँ पर हुआ है। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पंचायती राज की नींव रखी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। सबसे पहली बार कहाँ पर इसकी नींव रखी गई, राजस्थान के नागौर जिले में, कब, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती होती है, गांधी जी का बर्थडे होता है, तो इसीलिए गांधी जी के बर्थडे पर इसीलिए नींव रखी गई थी, क्योंकि जो गांधी जी है ना वो क्या चाहते थे, ग्राम पंचायत चाहते थे, यानी कि स्थानीय स्वशासन चाहते थे, इसीलिए उन्हीं के जन्मदिन पर क्या रखी गई, पंचायती राज की नींव रखी गई 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। किसने रखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसकी नींव रखी, पंचायती राज की नींव रखी है। इसके बाद में जो सेकंड स्टेट है आपकी पंचायती राज वाली, उसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश है, 11 अक्टूबर 1959 को। यहाँ पर देखो 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर नींव रखी जा रही है, ये आपके राजस्थान में, और इसके साथ साथ सेकंड कहाँ पर नींव रखी जा रही है, आंध्र प्रदेश में। थर्ड स्टेट कौन सी आपकी, कर्नाटका है। तो पहली स्टेट जो है वो कौन सी आपकी, राजस्थान है, सेकेंड पूछेगा तो आपके आंध्र प्रदेश है, एंड देन थर्ड स्टेट पूछी जाएगी तो कर्नाटक है। वैसे सबसे पहली स्टेट ही पूछी जाती है, कई कई बार ऐसा होता है कि सेकंड स्टेट पूछ ली जाती है, लेकिन आपको इस, ठीक है। तो यहां पर किसकी नींव रखी गई है, आपके पंचायती राज की नींव रखी गई। सेकंड स्टेट की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, और थर्ड स्टेट की बात की जाए तो यहां पर कर्नाटका थी। ये क्लास ना आपकी ज्यादा लेंथी नहीं रहेगी, बट यूजफुल रहेगी आपके लिए। इसके बाद में है 73rd अमेंडमेंट 1993, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 73rd अमेंडमेंट होता है, ये 1993 में होगा, और ये 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में क्या हो जाएगा, लागू कर दिया गया कि हर स्टेट को क्या करना होगा, अपने यहाँ पर पंचायती राज की स्थापना करनी होगी। इसके साथ साथ जैसे त्रिस्तरीय, इसमें क्या कहा गया था कि 3 स्तर की क्या होगी, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। आप देखेंगे कि हर, आप अगर किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप, मतलब या फिर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर गांव ज़्यादा हैं, तो वहां पर आपको 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलेगी। पर ऐसा एक जो वेस्ट बंगाल है ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर 4 स्तर की क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। बाकी सभी स्टेट्स में कितनी है, 3 लेवल देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन आपका जो वेस्ट बंगाल है इसमें 4 स्तरीय क्या है जो पंचायती राज है, वो कितने स्तर का है, 4th लेवल का है। इसके बाद है आर्टिकल 243 ए से लेकर आर्टिकल 243 ओ में किसका उल्लेख किया गया, आपके पंचायती राज का उल्लेख किया गया। तो पंचायतों का जिक्र किस में है, 243 ए से ओ में है। लेकिन 3 आपकी स्टेट ऐसी हैं जहां पर आपके पंचायती राज नहीं है, क्योंकि ना यहां पर गांव ही नहीं है, तो जब गांव नहीं होंगे तो पंचायती राज कैसे स्थापित किया जाएगा। तो इसमें से जैसे आपका नागालैंड है, मेघालय है और मिजोरम है, तो ये 3 स्टेट ऐसी हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो नाग मेघ जोर ऐसे याद रख लेना, नाग मेघ जोर, ठीक है। इन तीनों में क्या नहीं है, पंचायतें नहीं है, और दिल्ली में भी नहीं है। दिल्ली क्या है, आपकी यूनियन टेरिटरी है, तो एक यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो नाग मेघ जोर में पंचायती राज नहीं है, और इसके साथ साथ दिल्ली में भी क्या नहीं है, आपको पंचायती राज व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जिला परिषद की। जिला परिषद जो है, ये जो 3 स्तर होते हैं, इसके 3 स्तर होते हैं, ठीक है। तो 3 स्तर में ये शीर्ष संस्था होती है, जैसे जिला परिषद है, इसमें ये क्या होगी, सबसे ऊपर का लेवल होता है। जिले की सभी पंचायत समितियों का क्या होगा, ये प्रधान होता है यहाँ पे। इसके बाद है पंचायत समिति सेकंड वाली, ये मिडल स्तर की होती है, यानी कि मध्यम स्तर की होगी। इसमें पंचायत समिति क्षेत्रीय विकास के लिए योजना और कार्यक्रम बनाती है, राज्य सरकार की सहमति से उन्हें क्या करेगी, लागू करती है। इसके साथ साथ सामुदायिक ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करती है। तो ये कैसा स्तर है, माध्यमिक स्तर है। आपसे ना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ये जो पंचायत वाला लेवल है, यानी कि जो ग्राम पंचायत है उसमें शीर्ष लेवल कौन सा है। तो सबसे ऊपर पूछा जाए तो जिला स्तर है, मीडियम वाला कौन सा है, पंचायत समिति है। इसके बाद 3rd लेवल पर क्या आती हैं, आपके ग्राम पंचायतें आती हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ग्राम पंचायतें भी ना 3 स्तर पर बनाई गई होती हैं, जैसे एक में ग्राम सभा होती है, फिर पंचायत होती है, फिर न्याय पंचायत होती है।
ग्राम सभा क्या होगी, जो ग्राम सभा होती है ये एक या अनेक छोटे छोटे गांव से मिलकर बनती है, यानी कि जो ग्राम पंचायत है किससे मिलकर बनती है, जो गांव होते हैं छोटे छोटे गांव होते हैं उन सबको मिलाकर क्या बना दी जाती है, ग्राम सभा बना दी जाती है। ये इसमें एक गांव भी हो सकता है या एक से ज़्यादा गाँव भी हो सकते हैं, बट वो छोटे गाँव होंगे। गाँव की ये सभा जो है वो किसका काम करती है, व्यवस्थापिका का काम करती है, यानी कि जो भी काम वगैरह है उसको करने का काम करेगी। जो भी व्यक्ति गांव का, वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो वह ग्राम सभा का क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आप क्या करेंगे, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और है कि आपका उसकी उस गाँव की वोटिंग लिस्ट में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप वहाँ पर क्या बन पाएंगे, उस गाँव की ग्राम सभा के सदस्य बन पाएंगे। कई बार ना ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ग्राम सभा का सदस्य बनने की आयु कितनी है आपके, 18 वर्ष है। इसके लिए आप 18 वर्ष के होने चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, आपकी वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए, आप वोटर, वहाँ के वोटर होने चाहिए, वोट होना चाहिए आपका। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं पंचायत के बारे में। पंचायत का जो गठन है वो ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो पंचायत बनाई जाती है, जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो क्या, उनमें से वो क्या करते हैं, पंचायत का गठन करते हैं। ग्राम प्रमुख को क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं, या फिर सरपंच भी कहा जाता है, या उन्हें प्रधान के रूप में भी संबोधित किया जाता है। वैसे ज़्यादातर तो किस नाम से जाने जाते हैं, वो सरपंच के नाम से जाने जाते हैं, या गाँव के प्रधान भी कह सकते हैं, मुखिया भी कह सकते हैं, बट वैसे ज़्यादातर आप सभी सरपंच के नाम से उन्हें जानते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायत हैं, वो कितने टॉपिक्स पर काम कर सकती हैं, तो उनके पास में टोटल 29 विषय होते हैं। इसके लिए आपका ये किस में लिखा गया, अनुसूची 11 में भी लिखा गया है, एज इट इज़ लिखा गया 29 विषय होंगे ग्राम पंचायतों के पास में। ज़्यादा विषय होते हैं इनके पास में एज़ कम्पेयर टू नगर पालिका। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो इसके बाद जो न्याय पंचायत होते हैं, तो ग्राम स्तर पर मान लो कोई क्राइम हो जाता है तो उसके लिए जैसे कोई डिसीजन लेना है, अपराध का निपटारा करना है, तो उसके लिए गांव के लेवल पर ही क्या बना दी जाती हैं, न्याय पंचायत बनाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, एक तरीके से न्याय करने का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है ग्राम पंचायतों के बारे में, जिला परिषद के बारे में, और किस तरीके से आपके यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन है वो किस तरीके से आया, सबसे पहली स्टेट कौन सी थी, और सबसे पहली बार कहाँ पर लागू किया गया, कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर ग्राम पंचायत आपको देखने को नहीं मिलेंगी, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर ग्राम पंचायत नहीं है, इसके साथ साथ ऐसी स्टेट कौन सी है जहां पर 4 लेवल वाली ग्राम पंचायत है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं जो आपके जरूरी हो सकते हैं। अब हम जान लेते हैं नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका भी आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि यह भी जरूरी है। जो नगर पालिका है इसे स्थानीय नगरीय शासन के नाम से जाना जाता है, ये स्थानीय नगरीय शासन है, और पंचायत वाला कौन सा था, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन था। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, वो गांव में होगी और ये आपके शहरों में होगी। जैसे आपके शहरों में म्युनिसिपल कमेटीज़ होती हैं, उनके मेंबर बनते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो वो कहाँ पर काम करती हैं, शहरों में काम करती हैं। इसके लिए 74th अमेंडमेंट 1993 किया गया था, और इसके लिए अगर अनुसूची की बात की जाए तो 12वीं अनुसूची में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ इनको भी 3 स्तर पर बांटा गया है, जैसे आपके वहाँ पर भी 3 स्तर थे, वैसे ही शहरों में भी क्या हैं, इसके 3 स्तर हैं। इसमें से जैसे नगर पालिका है, नगर पालिका के साथ साथ नगर पालिका परिषद होगी, और इस साथ साथ नगर निगम होता है। जो नगर निगम होता है वो सबसे बड़े लेवल का होता है, नगर पंचायतें छोटे लेवल की होती हैं, नगर पालिका परिषद इसका मीडियम लेवल है। ठीक है, नगर पंचायतें जो हैं यहाँ पर 300,000 तक की जनसंख्या आपको देखने को मिलती है, यानी कि जिस एरिया की जनसंख्या जो है वो 300,000 के आसपास है वहाँ पर क्या बना दी जाती हैं, नगर पंचायतें बना दी जाती हैं। और जिस एरिया की जनसंख्या 300,000 से 700,000 के आसपास है वहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे आपको, नगर पालिका परिषद देखने को मिलेगी, नगर पालिका परिषद हम इसे बोल सकते हैं। और जहाँ की जनसंख्या 1,000,000 से ज़्यादा है या 1,000,000 है वहाँ पर आपको नगर निगम देखने को मिलेगा। नगर निगम इन तीनों में से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जहाँ ये जनसंख्या के आधार पर होंगे, जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहीं पर क्या बनेगा, नगर निगम बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके गठन की, यानी कि जो नगर निगम है ये, इसका जो नगर पालिका है इसका गठन सबसे पहली बार 1687 में मद्रास में किया गया था, यानी कि अंग्रेजों के समय में ही सबसे पहली बार इसका मतलब गठन किया गया। अब हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं, तो ये 5 साल के लिए होता है, उसी तरीके से आपकी ग्राम पंचायतें भी 5 साल के लिए ही होती हैं। ग्राम पंचायत में मैंने आपको 29 टॉपिक्स बताए थे और यहाँ पर आपके 18 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो नगर पालिकाएँ हैं शहरों को कम टॉपिक दिए गए हैं और
गांव में टॉपिक्स ज़्यादा दिए गए हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे सड़कों पर काम कर सकते हैं, वहाँ पर हेल्थ सेंटर बना सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, प्लेग्राउंड बना सकते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं जिन पर ये कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गई होगी, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कवर करा दिए हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल का टॉपिक है वो रह गया है, बस आर्टिकल के बाद में हमारी पॉलिटी पूरी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करा दूंगी, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपको सारा का सारा सिलेबस जितना मैंने बोल रखा है वो एग्जाम तक मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ऐसे पॉलिटी तो हमारी कंप्लीट हो गई है 10 to 15 क्लासेस में, और वो भी आपकी 10 to 15 क्लासेस में आपकी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जरूरी हो सकते हैं वो सारे मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू कराती जाऊंगी, तो इसमें टेंशन मत लीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।